एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली सरकार के विकास भवन के अंदर, जहां बाउंड्री के बाहर जिन महिलाओं को घर पर होना चाहिए था, बच्चों के साथ होना चाहिए था, अपनी नौकरी पे होना चाहिए था, आज वही महिलाएं यहां केजरीवाल के दरबार में आके अपनी गुहार लगा रही हैं। इससे पहले कुछ ही दिन पहले आंगनवाड़ी वर्करों ने भी अपनी गुहार लगाई। उन्होंने 59 दिन के अंदर अपनी हड़ताल को कामयाब रखा। उसी तर्ज पे आज आशा वर्कर भी अपनी मांगों को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए हम इनसे जानते हैं और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेके ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जो इस आंगनवाड़ी वर्करों का जो नेतृत्व कर रही हैं, जो पूरी दिल्ली से यहाँ आशा वर्कर, जो यहाँ पूरी दिल्ली की जो आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई हैं विकास भवन के अंदर, विकास भवन नंबर 2 के अंदर जो इसका नेतृत्व कर रही हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी मांगे क्या। मैडम, आपका नाम? कविता। कविता जी, आप आशा वर्करों का ये नेतृत्व कर रही हैं, तो इस नेतृत्व का, इतनी सारी महिलाओं को इकट्ठा करने में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो हम लोगों को इन लोगों को इकट्ठे करने की जगह जगह मीटिंग करनी पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ हमें डिस्पेंसरीज में जो प्रशासन है, प्रशासन के थ्रू बार बार रोका गया मीटिंग करने से, और बार बार हम लोगों को धमकियाँ भी मिली कि इस तरीके की मीटिंग नहीं करनी चाहिए, और इन लोगों को आने से भी रोका गया कि ये धरने में जाना बेकार है, हड़ताल करना बेकार है, अगर हड़ताल करेंगे तो हम इस हड़ताल का आपको मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप लोग क्या हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल से कुछ नहीं होता, ऐसा प्रशासन ने इनको समझाया, कई जगह रोका भी, तो उन सब चीज़ों को लेकर के अभी तक भी इनको साथ ऊपर दबाव बना रहे हैं, प्रशासन अभी भी लगा हुआ है दबाव बनाने पर, और इस चीज़ को लेकर के अभी भी हम आशा वर्कर को संगठित करने में लगे हुए हैं, समझा रहे हैं कि इस तरीके से अगर संगठित करने से ही अगर नहीं होता तो क्या आंगनवाड़ी वालों का नहीं होता, और भी जो ANM ने मांगे हासिल की हैं, जो और डॉक्टर्स हासिल करते हैं मांगे, वो तो हड़ताल के थ्रू ही करते हैं, तो ये आशा वर्कर भी हड़ताल के थ्रू ही कर पाएंगे, ये इनकी समझदारी हम दे रहे हैं और ये हमारी कोशिश जारी है। मतलब आपका कहना है कि संविधान के तहत तो हम जो मांग रख रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आपकी मुख्य मांगे क्या, किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आशा वर्कर की मुख्य मांग है कि इनको इंसेंटिव नहीं चाहिए, इंसेंटिव तो जो है उसको डबल कर दिया जाए, और इन जो वेतन है, वेतन इनको कुछ नहीं मिलता है, हमको 0 दिया जाता है वेतन, तो उसको वेतन के रूप में, जैसे 45वें श्रम सम्मेलन में बोला भी गया है, ILO की मीटिंग में त्रिपक्षीय बैठक में ये बताया गया कि इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर को, तो उनको कर्मचारी का दर्जा दे सरकार और उनको वेतन दे जो जो कि उन्होंने सिफारिश मानी थी, उस सिफारिश को लागू करें, लागू करने में देर क्यों कर रहे हैं? जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है आशा वर्कर के अंदर, तो उसके अंदर क्या मापदंड रखा जाता है? मापदंड ये होता है कि हम अपने एरिया के लोगों को जानते हों, 400 घरों में हमारी पकड़ हो, 400 घरों में आंगनवाड़ी वालों के लिए और 2000 घरों में इनके लिए।